आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बेसन के लड्डू। और बेसन के लड्डू भी कई तरीके से बनाए जाते हैं और बहुत सारे लोगों को ये दानेदार पसंद होते हैं, बट मुझे बेसन का लड्डू ऐसा पसंद है कि आप मुंह में रखो और मुंह में रखते ही वो घुल जाए। तो आज मैं आपके लिए बेसन के लड्डू की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि मुँह में रखते ही घुल जाएगा। तो आइए बनाते हैं बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हम यहाँ 1/2 कप घी लेंगे और घी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप बेसन। यहाँ मैं बारीक वाला बेसन ले रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि मुझे दानेदार बेसन के लड्डू पसंद नहीं है, तो मैं यहाँ बिल्कुल सॉफ्ट बेसन के लड्डू बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने बिल्कुल जो घर में बेसन हम यूज़ करते हैं मैंने ये वही बेसन लिया है 2 कप। अब इस बेसन को हमें घी में भुनना है और बेसन को हमें धीमी आंच पे भुनना है। हमें तेज़ गैस पे नहीं पकाना है बेसन, नहीं तो बेसन जल जाएगा और इसका जो कच्चापन होता है वो भी नहीं निकल पाएगा। अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट चाहिए बेसन के लड्डू का तो आपको उसको स्लो गैस पे ही पकाना है और उसको आधा घंटा तो पकाना ही है आपको। अब इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून घी और इसको फिर वापस से पकाएंगे। और थोड़ी देर बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून घी और ऐड करेंगे। अब हम इसमें घी नहीं ऐड करेंगे, हमें बस इतना ही घी इसमें ऐड करना था, 1/2 कप प्लस 2 टेबलस्पून घी। और इसको अब हमें भूनते रहना है। और जैसे ही बेसन भुनने लगेगा वो ऐसा गीला होता जाएगा, बिकॉज़ जो बेसन भुनने के बाद घी छोड़ता है थोड़ा, तो वो इस तरीके का दिखने लगेगा। और इसमें से अब बेसन भुनने की खुशबू भी आने लगेगी, तो बस उसके बाद हमें फ्लेम ऑफ कर देना है। अब हम एक दूसरा पैन लेंगे जिसमें मैंने 1/4 कप काजू लिए हैं जिसको मैंने बारीक काट लिया है, और मेलन सीड्स लिए हैं कुछ, और इन्हें हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और इसको हम ऐड कर देंगे बेसन में। बेसन में ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिला देंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। और इसके बाद हमें बेसन को अच्छे से ठंडा कर लेना है क्योंकि इसके बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। अगर बेसन गर्म होगा तो चीनी थोड़ी मेल्ट होगी, तो आपको ये जो बेसन है बिल्कुल ठंडा करना है और उसके बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ बेसन ठंडा कर लिया है। अब मैं इसमें 1 कप शुगर ऐड करूँगी और शुगर मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर ली थी और उसके बाद मैं इसको छान के इसमें ऐड कर रही हूँ। और शुगर डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है।
अब हम इसे हाथों से मिक्स करेंगे और इसके लड्डू बनाएंगे। आपको जितना बड़ा लड्डू रखना है आप उसके हिसाब से इसका रेशियो ले लीजिए और इसके लड्डू बना लीजिए। लड्डू तैयार हैं। ऐसे ही हम सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। तो यहाँ तैयार है हमारे बेसन के लड्डू जो बिल्कुल माउथ मेल्टिंग है। आप इसे मुंह में रखेंगे और मुंह में रखते ही घुल जाएगा एंड इट इज़ वेरी डिलीशियस। जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड यू विल लव दिस। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल एंड यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू इन्जॉय मोर सच रेसिपीज। आई विल बी बैक विथ माई न्यू रेसिपी। टिल देन बाय बाय।